नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 के मैच नंबर 43 में शनिवार को किंग्स इलेवन पंजाब ने सनराइजर हैदराबाद को 12 रनों से हराकर अपनी प्ले ऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस मैच में भले ही सनराइजर हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच में हैदराबाद की तेज गेंदबाज संदीप शर्मा ने आईपीएल में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। संदीप शर्मा ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में 29 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। इस मैच में लिए पहले विकेट के साथ ही संदीप शर्मा ने आईपीएल में अपने 100 विकेट भी पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाज मनदीप को आउट करके विकेटों का अपना शतक पूरा किया है। संदीप शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट लेने वाले 15वें गेंदबाज बन गए हैं। 100 विकेट लेने वाले वो छठे भारतीय पेसर भी बन गए हैं। यहां आपको बताते चले कि संदीप शर्मा ने मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से पहले इस उपलब्धि को हासिल किया है। दरअसल जसप्रीत बुमराह और संदीप शर्मा दोनों ने ही आईपीएल में अब तक 87 मैच खेले हैं। बुमराह के नाम अभी कुल 99 विकेट हैं और संदीप शर्मा ने अपने विकेटों का शतक पूरा कर लिया है। पहली पारी खत्म होने के बाद संदीप शर्मा ने कहा कि 100 विकेट हासिल कर वो बहुत खुश हैं। संदीप ने कहा, मैं पिछले 2 मैच से इसके लिए कोशिश कर रहा था और ये मुझे मेरी पूर्व टीम के खिलाफ मिला, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वहीं 100 विकेट हासिल करने के बाद हवा में क्या लिखा था, इस सवाल पर संदीप शर्मा ने कहा, मैं वास्तव में भगवान को धन्यवाद दे रहा था और इसलिए मैंने इसे हवा में लिखा। बता दें, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज लक्षित मलिंगा हैं, जिनके नाम 170 विकेट दर्ज है। उसके बाद लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिल्ली के स्पिनर गेंदबाज अमित मिश्रा 160 विकेट के साथ काबिज हैं, तो वहीं पीयूष चावला 156 विकेटों के साथ तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। आपको अब यहाँ ये भी बताते चले कि जब से संदीप शर्मा ने आईपीएल में डेब्यू किया है, तब से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में उनका नाम तीसरे स्थान पर है। संदीप के डेब्यू से आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों की सूची में युजवेंद्र चहल टॉप पर हैं। उन्होंने अभी तक 115 विकेट लिए हैं। 113 विकेट के साथ भुवनेश्वर दूसरे नंबर पर हैं और 100 विकेट के साथ संदीप तीसरे नंबर पर हैं। वहीं संदीप शर्मा के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने अभी तक 87 मैचों में 101 विकेट लिए हैं और उनका बेस्ट प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।